आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन, कार्बोक्जिलिक एसिड से सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बोक्जिलिक एसिड कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, एल्कलीज, अमोनिया, अमीन्स एक्सेट्रा एंड फॉर्म सॉल्ट्स। जब कार्बोक्जिलिक एसिड का रिएक्शन होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से या मेटल ऑक्साइड से या कार्बोनेट से या एल्कलीज मेटल से, कोई भी एल्कली मेटल्स हो, अमोनिया या अमीन से, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। फॉर जैसे यहाँ पे हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड है RCOOH, एक कार्बोक्जिलिक एसिड है। जब इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोक्जिलेट सॉल्ट्स RCOONa। इसमें RCOOH जो है माइनस चार्ज है एंड सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है। ये हमें मिलता है सोडियम कार्बोक्जिलेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एंड जब हमें कार्बोक्जिलिक एसिड्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद अमोनियम कार्बोक्जिलेट का सॉल्ट मिलता है, अमोनियम कार्बोक्जिलेट का सॉल्ट मिलता है। RCOO पे नेगेटिव चार्ज है एंड अमोनियम NH4 पे प्लस चार्ज है। और जब कार्बोक्जिलिक एसिड RCOOH को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम कार्बोक्जिलेट का सॉल्ट मिलता है। सोडियम कार्बोक्जिलेट के सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। और फिर उसके बाद जब हम कार्बोक्जिलिक एसिड का 2 मोल ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड प्लस जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक का कार्बोक्जिलेट सॉल्ट मिलता है और उसके साथ हाइड्रोजन लाइब्रेट होता है। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आर वाटर सॉल्युबल। जो एक सॉल्ट्स है, कार्बोक्जिलिक एसिड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं जिसका मॉलिकुलर वेट होता है काफ़ी लो होता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड ऑफ लो मॉलिकुलर वेट आर वाटर सॉल्युबल एंड आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये इनऑर्गेनिक और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें इनसॉल्युबल होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। द कार्बोक्जिलिक एसिड्स कैन बी रीजनरेटेड बाई ट्रिएटिंग देयर सॉल्ट्स विथ मिनरल एसिड्स। द कार्बोक्जिलिक एसिड्स कैन बी रीजनरेट कर सकते हैं बाई ट्रिएटिंग दिस सॉल्ट्स, सोडियम कार्बोक्जिलेट सॉल्ट्स विथ मिनरल एसिड, किसी भी मिनरल एसिड, मतलब अगर जब हम इस सोडियम कार्बोक्जिलेट्स को किसी भी मिनरल एसिड HCl के साथ रिएक्शंस कराते हैं, HCl के साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तो हमें फिर से वापस से एक कार्बोक्जिलिक एसिड मिलेगा प्लस उसके साथ NaCl।